हेलो एवरीवन, हेलो गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, आज का सेशन स्टार्ट करें हम। हेलो, प्लीज से हाय हुएवर जॉइंड, प्लीज से हाय। हेलो गुड इवनिंग, प्लीज से हाय जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, प्लीज से हाय ताकि मुझे पता चल जाए कि किसने ज्वाइन किया है। एक कमेंट हाय का या थम्स अप। पहले तो इतने लंबे गैप के लिए सॉरी, एक्चुअली कुछ ऑर्डर वर्क था तो उसमें थोड़ा बिजी थी, तो वो कंप्लीट हुआ है तो मैंने साथ ही मैंने सोचा कि जो हमारा फ्री सेशन है ये साथ साथ चलता रहना चाहिए, इसमें ज़्यादा गैप नहीं डलना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा और आज आप लोगों के सामने हूँ मैं। लास्ट टाइम जो हमने पेपर क्ले का जो हमने ट्री स्टंप बनाया था उसी पेपर क्ले से मैंने आपको बताया था कि आपको मैं बनाना सिखाऊंगी, है ना। तो आज हम वही क्ले यूज़ करेंगे, पेपर क्ले, और उसी पेपर क्ले से आपको मैं दिखाऊंगी कि आप कितना कुछ बना सकते हो, ठीक है। पेपर क्ले आप सबको, अगर कोई न्यू ज्वाइन किया है या कोई न्यू है जो व्यूअर है तो वो मेरा लास्ट जो सेशन है उसमें देख सकता है, मैंने उसमें पेपर क्ले बनाना बताया था। एक शॉर्ट बिल्कुल आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपने न्यूज़पेपर लेना है, उसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में टियर करना है, उसके बाद हमने उसको वाटर में डिप कर देना है। एटलीस्ट 4-5 आवर्स तो आप करना, लेकिन 24 आवर्स आप डिप करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। डिप करने के बाद हमने उनको अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में चर्न करना है, जो हम नॉर्मली घर में मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं ना, उसी मिक्सर ग्राइंडर में हमने जो पेपर है वो थोड़ा डालना है और जो वाटर है उसमें वाटर जो है वो ज़्यादा डालेंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर आप पेपर ज़्यादा डाल दोगे और वाटर कम होगा तो वो उसमें मिक्स नहीं होगा अच्छे से, ठीक है, पेपर के जो है वो लंप्स रह जाएंगे, तो इसलिए हमने उसको बहुत अच्छे से चर्न करना है और एक बहुत ही हमारी स्मूथ जो है पल्प रेडी हो जानी चाहिए इस तरह की, ठीक है। मैंने वैसे लास्ट जो वर्कशॉप है आप उसमें जाके देख सकते हो, मैंने बनानी बताई हुई है ये पेपर पल्प, ठीक है। इसको फिर हमने स्क्वीज करके इसमें हम फेविकोल डालेंगे और थोड़ा सा चॉक पाउडर, और हमने उसके बाद ये हमारी क्ले जो है वो इस तरह से रेडी हो जाएगी। मैं आज दोबारा से नहीं बता रही हूँ क्योंकि पिछले ही वर्कशॉप में मैंने आपको ये क्ले बनानी बताई है, आप मेरे पिछले जो वर्कशॉप है 5th वर्कशॉप उसमें जाके देख लेना। ये हमारी क्ले पेपर की जो है न्यूज़पेपर की क्ले ये हमारी रेडी होगी। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि मैं इससे आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना बताऊंगी। हमने लास्ट टाइम फ्लावर वेस बनाया था जो ट्री स्टम्प का, आज हम जो बनाएंगे वो जैसे आप हेलो कविता वेलकम डियर, आज हम इससे क्या बनाएंगे, आप छोटी छोटी प्लेट्स कटोरियाँ और या इस तरह का कुछ भी, या जैसे ये देखिए मैंने ये बनाया है, ये देखिए ये इसी न्यूज़पेपर की क्ले से मैंने बनाया है, ठीक है। अभी ये पूरा ड्राई नहीं है इसलिए आज मैं इस पर आपको वर्क करके नहीं दिखाऊंगी। ये मैंने जो मेरी एक बास्केट है जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह रखती हूँ मैं, तो उस बास्केट के ऊपर मैंने बनाया इसको, ठीक है। आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनाना है। आप छोटी छोटी चीज़ें भी, ये मेरा जैसे मेरे पास एक रिंग पड़ा था, मैं नीचे थोड़ा कैमरा करती हूँ,
हेलो, ये देखिए मेरे पास एक ये रिंग पड़ा था तो मैंने इसके लिए इस तरह की बना दी, तो मैं इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर भी रख सकती हूँ। अभी इसका इस पर हम वर्क करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप बना सकते हो और ये बहुत सॉलिड है, ऐसा नहीं है कि अभी ये ड्राई नहीं हुआ है। फिर भी आप इसकी साउंड सुनो, अभी ये 100% ड्राई नहीं है, ठीक है? जब ये 100% ड्राई हो जाएगा तब आपको पता देखोगे कि ये बहुत हार्ड हो गया है, ठीक है? ऐसा ही हम आज मैं आपके सामने छोटी छोटी चीजें बनाना बताऊंगी। सबसे पहले जैसे हमारा हम छोटी कोई कटोरी प्लेट इसलिए उसमें जैसे हमने अपनी ज्वेलरी हम रोज जो पहनते हैं निकालते हैं हम रखते हैं ना, तो उसके लिए जैसे हम इसकी पेपर क्ले से हम बना सकते हैं। तो इसके लिए या तो आप इसके ऊपर ऑयलिंग कर लीजिए, ठीक है? ये अपने आप जब ड्राई होगा तो इस प्लेट को छोड़ देगा। या आप कोई भी इस तरह से पॉलिथीन उसमें रैप करके आप उसके ऊपर लगा सकते हो, या इस तरह से क्लिंग फिल्म आती है उसको भी आप लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये नहीं उतरा तो वैसे ये उतर जाता है, ये ड्राई होने के बाद पेपर क्ले जो है ये अपने आप अपने जिसके ऊपर भी होते हैं उसको छोड़ देती है उस जगह को, ठीक है? मैं आपको इसके ऊपर ऐसे ही बताऊंगी ताकि आपको पता चले। थोड़ा सा मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर मैं इस तरह से बनाऊंगी, ठीक है? थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऑयलिंग कर रही हूं ताकि ये आराम से छूट जाए। देखो अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगी, ये जो हमारी पेपर पल्प है इसको मैं इसके ऊपर स्टिक करूंगी। कुछ फेविकॉल की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि हमने इसमें फेविकॉल डाली हुई है ना? ये देखिए इस तरह से मैं इसके ऊपर इसको स्टिक करूंगी। बस एक ही इसका जो माइनस पॉइंट है इस क्ले का वो सिर्फ यही है कि ये टाइम बहुत लेती है ड्राई होने के लिए, और अगर अच्छी धूप निकली हो तो जल्दी हो जाती है, बट फिर भी इसको 2-3 दिन तो कम से कम चाहिए। इसीलिए मैंने वो वाला जो है आपको अभी दिखा रही थी वो मैंने पहले बना के रखा था, लेकिन देखिए अभी भी ड्राई नहीं हुआ है, उस पर मैं आज भी आपको वर्क करके नहीं दिखा सकती। इस तरह से हम छोड़ तो ये अभी भी देगा, इसको अगर हम चाहें तो ये अभी भी प्लेट से ये अलग हो जाएगा, लेकिन अभी हम इसको करेंगे नहीं, ड्राई होने तक इसको नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये नहीं तो नीचे को बैठ जाएगी, इसकी जो इस तरह से जो शेप लानी है हमने वो शेप नहीं आएगी, है ना? मैं आपको बताऊंगी कि आप इस क्ले से और क्या क्या बना सकते हो। मैंने बहुत छोटे छोटे प्लांटर्स जैसे एक बोल के साइज के छोटे छोटे प्लांटर्स मैंने बनाए हैं इसी क्ले से, और उसके अंदर मैंने अपने आर्टिफिशियल प्लांट्स बना करके लगाए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, अभी तो मेरे पास है नहीं है, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको दिखाऊंगी। न्यूज़पेपर जिसको हम बिल्कुल पढ़ने के बाद वेस्ट समझ के यूं ही हम निकाल देते हैं घर से, उसी न्यूज़पेपर से आप इतनी अच्छी चीज़ें अपने घर को डेकोरेट करने के लिए बना सकते हो। मेरी कोशिश है कि मैं ऐसी चीज़ें लेके आऊं जो कि आप घर में ही आसानी से जो आपको मिले और उनको यूज़ करो आप। अगर आपके पास मान लीजिए चॉक पाउडर नहीं भी है तब भी आप खाली फेविकॉल एंड ये न्यूज़पेपर पल्प इन दोनों को मिक्स करके भी आप बना सकते हो, ठीक है? ये देखो अब मैंने इसके ऊपर सारा लगा लिया। अब मैं हल्का सा वाटर टच लूँगी अपने हैंड पे। अगर आप और ज़्यादा मजबूती देना चाहते हो तो आप फेविकॉल भी ऊपर थोड़ी सी डाल के और इसको स्मूथ कर देंगे हम। ये देखो, देख रहे हो आप, ये देखिए इस तरह से इसको हम स्मूथ कर देंगे। जहां पर आपको लगे कम ज्यादा है तो आप और लगा सकते हो, बहुत ही इसके उसके बाद इसके ऊपर जब आप कलरिंग वगैरह कर देते हो ना तो ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। आपने देखा ही था, देखा ही होगा लास्ट जो हमारी सेशन में जो हमने वो बनाया है फ्लावर वेस, उसमें देखा आपने कितना अच्छा वो कितनी नेचुरल लुक आई है वुड की, ट्री ट्रंक की कितनी नेचुरल लुक है उसकी।
आप प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए वीडियो को, ताकि और भी लोग ज्वाइन कर सकें, देख सकें, है ना। ये देखिए, अब मैं इस तरह से इसको लगा करके छोड़ दूंगी, ठीक है। अभी हम इस पर कोई वर्क नहीं करेंगे, ये इस तरह से डीप थोड़ी सी बन जाएगी, और इस प्लेट को आप अपनी ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए, या और आप कुछ टेबल पर कुछ और रखना है तो इस तरह से हम उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ ये हमारी एक चीज़ तैयार। इसी तरह से आप बोल, या आपको एक और चीज़ मैं बताती हूँ, इस तरह के हमारे पास, हम लोग बाहर से खाना वगैरह मंगवाते हैं ना, तो इस तरह के ये बहुत सारे हमारे पास खाली ये डिब्बे होते हैं, और ये देखो कितने सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको यूज़ भी नहीं कर सकते, है ना, किसी पर्पज़ के लिए ये यूज़ भी नहीं आते। तो हम इनके ऊपर भी क्या कर सकते हैं, आपको इसको इसमें से फिर क्ले को निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, और आपका जो वर्क है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आप क्या करोगे, इसके ऊपर ही हम क्ले को लगा देंगे, अंदर और बाहर दोनों साइड। अगर आपने इसके साथ फिक्स करना है तो बेशक नीचे फेविकोल भी लगा सकते हो, वैसे हमने इसके अंदर और बाहर दोनों साइड ही लगा देना, तो ये बीच में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, मैं थोड़ा सा करके बता देती हूँ आपको, इस तरह से आप पूरा अंदर कवर करोगे, ठीक है। मैं एक साइड पे आपको करके दिखा रही हूँ, बाद में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी। और ये आपका बॉक्स, ये भी आपका देखो यूज़ हो जाएगा, जिसकी जिसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। इस तरह से ला के आप फिर यहाँ बैक पर भी आप पूरा अंदर का कंप्लीट करोगे, फिर बाहर भी इसी तरह से आप इसके ऊपर लगा दोगे। बस इसको सूखने का टाइम पूरा देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है इस पर, ड्राई होने का टाइम पूरा देना है आपने इसको, ठीक है। इस तरह से आप इसको बाहर की साइड भी कवर कर दोगे, तो ये आपका और भी ज़्यादा जो है एक मजबूत चीज़ बन जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमारा ऑलरेडी एक प्लास्टिक का कंटेनर है, ठीक है। मजबूत ये भी है, मजबूत ये भी है, तो इसको फेंकने से अच्छा है कि आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो, या इसको आप साइड से ये कट करके बस ये जो अंदर अंदर का है उसके आसपास आप क्ले लगा देना, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप इससे क्या कर सकते हो, आप हैंगिंग जो लाइट्स होती हैं ना वो भी बना सकते हो। ये मैंने एक बनाया था, ये देखिए ये इसी पेपर क्ले का बना हुआ है, ठीक है, और इतना मजबूत है। मैंने वैसे इसके ऊपर से ना एक थिन लेयर वाइट सीमेंट की दे दी थी, ना भी देती तब भी चलेगा। ये मैंने टी लाइट होल्डर बनाया है, इसके बीच में मैंने जगह छोड़ी है, ये मैंने एक बॉटल के आसपास इसको क्ले को लगा के ऊपर बॉटल के ऊपर पॉलीथीन लगा के उसके आसपास यही वाली क्ले लगा के, और उसमें मैंने हाथ से फिंगर से यूं बीच में ये कर दिया था, सर्कल्स बना दिए थे, ठीक है। तो ड्राई होने के बाद वो उस बॉटल से जब मैंने उतारा तो फिर मैंने इसके ऊपर और बाहर सारी तरफ एक फैब्रिक उसमें वाइट सीमेंट में थोड़ा सा मैंने फेविकोल डाल के उसकी एक थिन लेयर दे दी थी, ना भी देती तब भी चल जाना था, बट एक सफाई के लिए मैंने थोड़ा सा दे दिया था। ये देखो इतना मजबूत है, ये कहीं नहीं जाएगा, और ये हमारी पेपर पल्प का ही बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ये बहुत सारे इस तरह के कंटेनर्स होते हैं, ये एक चॉकलेट का था डिब्बे का, आप यही हार्ट शेप के बीच में आप यहाँ पर पेपर अपनी पल्प लगा करके जब वो ड्राई हो जाए निकल जाए तो आप इसको यहाँ पर एक आप कर देना थोड़ा सा टांगने के लिए हल्की सी एक स्पेस बना देना, है ना, उसमें हम रस्सी लगा के उसके ऊपर आप फोटो लगा के या कुछ भी किसी को भी गिफ्ट भी कर सकते हो आप ये, ठीक है। एक मैं आपको बता रही थी लाइट का, उसके लिए भी आप क्या करोगे, इस तरह से बड़ा कोई भी आप कंटेनर लेकर के, है ना, इसके भी बाहर हम वही पॉलिथीन लगाएंगे या हम ऑयलिंग करेंगे और उसके ऊपर हम यही वाली क्ले लगाएंगे, सारे को कवर करेंगे, ठीक है। और यहाँ सेंटर से हम थोड़ा सा निकाल देंगे, इस तरह से ये हमारे होल्डर आते हैं ना,
हैंगिंग के लिए ये होल्डर होते हैं, तो आप ये रख के होल्डर उसके ऊपर रख के, लेकिन इससे कम आप निकालना, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा ब्रॉड होता है और ये कम होता है ना। तो आप इस तरह से ऊपर सर्कल लगा के और उससे अंदर थोड़ा सा छोटा सर्कल निकालना, ठीक है, ताकि ये आपका ये थोड़ा सा पार्ट बाहर आ जाए और ये बाकी अंदर ही उसके स्टिक हो जाए। तो इस तरह से आप बहुत ही सुंदर लैम्प शेड बना सकते हैं। हम बनाते हैं। चलिए ये ड्राई होगा तो मैं आप लोगों के साथ इसको फिर शेयर भी करूंगी, है ना। इसके पहले अच्छे से आपने ऑयलिंग कर लेनी है, ठीक है। आप अब किसी भी चीज को जब आप क्राफ्ट में आ जाते हो ना, तो आपका कोई भी चीज फेंकने का दिल ही नहीं करता, आपको हर चीज में एक ब्यूटी नजर आती है, कोई भी चीज आपकी वेस्ट नहीं जाती। इस तरह से मैं सारे के ऊपर क्ले लगा दूंगी। आप चाहो तो इसी तरह से इसके ऊपर कुछ भी कलरिंग कर सकते हो। आप चाहो तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, शायद मेरी क्ले थोड़ी न रह जाए। पहले इसको सारी को लगाएंगे और बाद में इसको हम स्मूथ करेंगे, ठीक है। पहले हम सब तरफ इसको लगा लेंगे क्ले को, और ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा पतली नहीं लगानी है, ठीक है। इसको हम बहुत पतला नहीं लगाएंगे, ये इतनी अच्छी क्ले है और इतनी सस्ती भी है ना। घर में जो आपके वेस्ट न्यूज़पेपर पड़े हैं, आप उनके साथ ही देखो वर्क कर रहे हो। इसके ऊपर हमें कुछ भी और क्ले लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप और थोड़ा सॉलिड चाहते हो तो आप लगा सकते हो मार्बल पाउडर का थोड़ा सा पेस्ट बना के, या चॉक पाउडर का पेस्ट बना के, या वाइट सीमेंट का पेस्ट बना के आप लगा सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में ही इतना स्ट्रांग है, इस तरह से हम सारी तरफ इसको। आप एग कार्टन्स जो होते हैं, है ना, वो भी यूज कर सकते हो। उनको थोड़ा सा जो है आप ज्यादा देर डिप कर देना, टियर वैसे ही करना है, छोटे छोटे उसमें टियर करके, और आप उसको वाटर में डिप कर देना, फिर उसकी भी आप इस तरह से पेस्ट बना सकते हो, पल्प बना के, और ये क्ले इस तरह से आप यूज कर सकते हो। कार्डबोर्ड्स है ना, हमारे घर में कई बार कार्डबोर्ड्स होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो आप, न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करके ये बना सकते हो। मैं कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ। अभी ऊपर हमने होल जो देना है, मैं वो भी अभी बताती हूँ आपको। आप इसको अपनी बालकनी में या कहीं भी आपके आपको लगता है कि आप इसको लगा सकते हो। बालकनीज में ये बहुत अच्छे लगते हैं लगे हुए। ये देखिए, अब मैंने सारी तरफ से लगा लिया है, ठीक है। अब मैं इसको या तो आप वाटर टच और या फिर फेविकॉल के टच से आप इसको क्या करोगे, स्मूथ कर लोगे। अच्छे से इसको स्मूथ कर लेना आपने। सारी तरफ से आपने इसको स्मूथ कर लेना है, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको मैं अभी नीचे से निकाल दूंगी। वैसे अगर आप इसको थोड़ा और एक अलग लुक देना चाहते हो, तो आप नीचे से इसको थोड़ा जिगजैग वे में भी कर सकते हो। पूरा प्लेन नहीं करना है, तो आप इसको जिगजैग वे में भी बना सकते हो।
एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, देखो ये मैं एक्स्ट्रा निकाल रही हूँ, एक मिनट उसके बाद मैं आपको बताती हूँ ऊपर होल करना। सेंटर में चलिए ठीक है ये हो गया। अब सेंटर में मैं इससे थोड़ा सा एक निशान ले लूंगी, ठीक है, लेकिन मुझे इतना ब्रॉड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये साइड जो है इसकी ब्रॉड है और ये टाइट है, तो मैं आप छोटे भी कर सकते हो कि तार ही बाहर निकले बाकी का अंदर ही रहे, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। अगर आप ये नहीं भी करना चाहते तो हम क्या करेंगे, सेंटर में से थोड़ा सा इसको स्पेस कर देंगे तार निकालने के लिए, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये देखिए सेंटर में मैंने थोड़ा सा स्पेस कर दिया कि हमारी यहां से बस तार निकल जाए, ठीक है। अब आपने वैसे तो ये ऐसे ही मतलब इसके ऊपर हम कुछ आप ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन भी दे सकते हो, या किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप कुछ और भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा जैसे अभी ये देखिए थोड़ा सा मैं इस पर हल्का सा इस पर मैं वाटर लगा के इसको, अभी मेरे पास यही है तो मैं इसलिए इसको ही यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से आप डिज़ाइन भी दे सकते हो, सारे के ऊपर अभी दे दोगे आप डिज़ाइन और बाद में हम बस जस्ट कलरिंग कर देंगे। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कैसा चाहते हो। ये बहुत अच्छा लगता है जब आप इसमें होल्डर लगा के और बल्ब आप अपने बालकनी में या जहां भी आपने लगाना है आप टांगोगे ना, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह से ये डिजाइन दिख रहा है आपको, ये देखिए, कुछ भी आप कुछ भी नहीं करोगे इसको, सिंपल दो तीन कलर्स में, या अगर आप ज़्यादा आपको कलरफुल अच्छा लगता है कलर्स डिफरेंट कलर्स के साथ इसको इसके ऊपर कलरिंग कर दोगे तब भी ये सुंदर लगेगा। अभी हमने इसको नहीं उतारना है, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देना है, जब ये सूखेगा क्योंकि हमने नीचे ऑयलिंग की है तो ये अपने आप अपनी जगह जो है वो छोड़ देगा और ये बहुत आराम से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने दो चीज़ें बनाई हैं आपके सामने, मैंने एक ये प्लेट बनाई है जिसके अंदर हम ज्वेलरी वगैरह अपनी रख सकते हैं या कुछ भी, ठीक है, और दूसरा ये हमने एक लैम्प शेड बनाया है, ठीक है, और एक मैंने अभी आपको दिखाया था मैंने जो बना के रखा है, बट मुझे था कि ये सूख जाएगा तो मैं इसके ऊपर भी वर्क करके आपको दिखाऊंगी, बट ये ड्राई नहीं हुआ है। मैं एक मिनट इसको साइड पे कर दूं थोड़ा सा। बहुत ही अच्छा वर्क, बहुत रीजनेबल और बहुत इजी, सभी कुछ है इसमें, है ना, इजी भी है, पॉकेट फ्रेंडली भी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, सब कुछ है इसमें, है ना। ये देखिए, ये मैंने अपनी जो मेरी वेजिटेबल्स की बास्केट है मैंने पहले भी दिखाया है, तो ये मैंने उसमें रख के उसके उसको इस तरह से मैंने बास्केट को रखा, उसके ऊपर मैंने इस तरह से पॉलिथीन लगा के और उसके ऊपर मैंने ये क्ले लगा दी थी, और ये अभी पूरी तरह से ड्राई नहीं है इसलिए मैं इसके ऊपर अभी वर्क नहीं करूँगी। मेरे पास ये एक रिंग पड़ा था तो एज अ फ्रूट बास्केट भी मैं इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं इस पर और वर्क करना चाहूँ तो मैं मार्बल पाउडर की क्ले बना के या मार्बल पाउडर को फेविकॉल में थोड़ा थिन मिक्स करके उसकी एक लेयर भी दे सकती हूँ, वाइट सीमेंट की लेयर भी दे सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन मुझे ये जो इसका टेक्सचर आता है ना पेपर पल्प का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसके ऊपर कोई दूसरा वर्क नहीं करूँगी, मतलब कुछ और करूँगी बट कोई क्ले नहीं इसके ऊपर यूज़ करूँगी, इसका जो अपना टेक्सचर है उसको ऐसे ही रहने दूँगी। अब ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पर जो हम ये मैंने आपको क्ले बनानी सिखाई है इसकी चॉक पाउडर वाली पिछले सेशंस में आप जाके देखना, तो मैंने ये फ्लावर्स उसके साथ बना के रखे हुए हैं चॉक पाउडर क्ले के साथ, है ना। तो अब अगर मैं चाहूँ तो
तो मैं क्या करूंगी, मैं इसके ऊपर कोई क्ले नहीं दूंगी, कुछ वर्क नहीं करूंगी, सिर्फ ऐसा कुछ कर सकती हूँ कि जैसे ये मैं इस तरह से इसके ऊपर ये फ्लावर्स, अभी ये पूरा ड्राई होगा तो ये वर्क मैं बाद में करूंगी, इस तरह से मैं इसके ऊपर ये फ्लावर्स स्टिक कर दूं सारे इस पर। तो देखिए यही जो सिर्फ ये एक न्यूज़पेपर है और उसके साथ ही हम कितनी अच्छी चीज़ बना सकते हैं, है ना। इस तरह से इसके ऊपर लगा दूं या कुछ भी ड्राइंग पेंटिंग जिसकी अच्छी है वो इसको कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। और प्लीज़ ये जो पेपर क्ले बनाई है ये मैंने पिछले उसमें बनाई थी, ऊपर कर लूँ अब मैं, पिछले सेशन में हमने ये पेपर क्ले बनाई है, 5th जो हमारा वर्कशॉप है आप उसमें जाके, जो न्यू है आप उसमें जाके देख लीजिएगा और इस पेपर क्ले को बना के इस तरह से ज़रूर अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए। ये देखिए है ना, टी लाइट होल्डर है, आप छोटा बना सकते हो, छोटा बना के इसमें से बाहर जब लाइट आती है ना तो वो बहुत अच्छी लगती है। इसमें जब हम टी लाइट होल्डर रखते हैं और मैं इसको रखती हूँ तो इसमें से बहुत अच्छी लाइट बाहर आती है। मैं अभी इसके नीचे वो देना भूल गई, एक अगर मैं नीचे होल दे देती, वैसे मैंने यहाँ से साइड से तार निकाल के एक होल्डर रख के भी देखा था, वो भी बहुत अच्छा लगता है। या आप जो दिवाली के टाइम आप लाइट्स लगाते हैं वो बीच में डाल दीजिए, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में जब वो जगेंगी, यहाँ से जो हमने होल्स किए हैं इनमें से जब लाइट बाहर आती है तो बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप सिर्फ एक पेपर क्ले के साथ बना सकते हो, कुछ भी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का सेशन ये पसंद आया होगा और आप लोग ज़रूर ट्राई करोगे। और प्लीज़ जो भी ट्राई करेगा, अपना जो भी आप बनाओगे मेरे साथ शेयर ज़रूर करना, बहुत खुशी होती है अगर कोई बना के और उसको शेयर करे तो बहुत अच्छा लगता है कि किसी ने, किसी को कुछ अच्छा लगा और उसने सीखा, है ना। तो आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर बनाना और मेरे साथ शेयर भी ज़रूर करना, और इस वीडियो को भी और हर वीडियो को आप लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए, क्यों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो देख सकें इसको, ठीक है। चलिए आज का इतना ही है, अब हम इसको, क्योंकि टाइम लगेगा तो हम संडे को ये ना भी सूखे हमारे दूसरे जो हमने आज किए हैं प्रोजेक्ट्स, तो ये तो परसों तक 100% ये सूख जाएगा, फिर परसों हम इस पर वर्क करेंगे। अगर इनमें से कोई चीज़ सूख गई तो हम इस पर भी वर्क करेंगे, ठीक है। तो कलरिंग करनी है या कुछ क्ले वर्क करना है इस पर, वो मैं आपको परसों बताऊंगी। तो एक दिन और मुझे चाहिए इसको और ड्राई करने के लिए, ठीक है। तो संडे को हम इसी टाइम मिलेंगे 5 बजे, टिल देन बाय एवरीवन। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप लिख सकते हो, नहीं तो हम ये सेशन यहीं बंद करें। आई होप आप सबको क्लियर होगा। मुझे कोई मैसेजेस नज़र नहीं आ रहे हैं, आई डोंट नो पीछे से है ये। चलिए अगर कोई हुआ तो मैं फिर बाद में आंसर कर दूंगी, मुझे अभी यहाँ कोई मैसेज नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो परसों हम फिर मिलेंगे संडे को 5:00। टिल देन बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय।